किसानों, दलितों, मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय राजेश जी पायलट की आज पुण्यतिथि है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी श्रद्धा के साथ सभी कांग्रेसजन ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संसद के गलियारों में किसी जमाने में दूध बेच के राष्ट्र के शिखर पर पहुँचे स्वर्गीय राजेश जी पायलट का जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा, जब तक किसान मजदूर दलित का बेटा सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंचेगा, तब तक प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने जीवन पर्यंत इसके लिए सतत प्रयास किया। आज चाहे संचार क्रांति हो, चाहे पूरे देश में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, वह सब स्वर्गीय राजेश जी पायलट की देन है। और उन्होंने जिस प्रकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए किसी जमाने में लोह पुरुष और संसार की सबसे बड़ी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, उसे इंदिरा गांधी ने भी स्वीकार किया और सराहा कि कोई तो व्यक्ति है जो अपनी इच्छा शक्ति का धनी है। इसलिए आज हम जिस प्रकार कांग्रेस इस चुनाव में पिछड़ी है, आज प्रेरणा दिवस है, हम प्रेरणा दिवस से प्रण लेते हैं कि कांग्रेस को पुनः सफलता की उन्हीं ऊंचाइयों को ले जाएंगे। गांव गरीब और दलित की गली गली में जाकर सेवा करेंगे, उनके कामों को निस्तारण करेंगे, तभी कांग्रेस पुनः ऊंचाइयों पाएगी। पुनः राजेश जी पायलट को सत सत नमन। आज किसानों, गरीबों और दलितों के मसीहा स्वर्गीय राजेश पायलट जी की 19वीं पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ कांग्रेसजनों ने, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पायलट साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। राजेश पायलट जी का कहना था कि जब तक देश का किसान देश की सर्वोच्च कुर्सी पर आसीन नहीं होगा, तब तक इस देश के किसानों का, गरीबों का, दलितों का भला नहीं हो सकता। और उन्होंने आजीवन इस प्रक्रिया के लिए संघर्ष भी किया। राजेश पायलट जी पार्टी के अंदर भी आंतरिक लोकतंत्र के पक्षधर थे। आज देश में जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से देश में सांप्रदायिक ताकतें सर उठाए खड़ी है, ऐसे में आज देश को और कांग्रेस पार्टी को स्वर्गीय राजेश पायलट जैसे व्यक्तित्व के धनी के नेतृत्व की आवश्यकता है। आज अब सभी कांग्रेसजनों ने यह संकल्प लिया है कि स्वर्गीय राजेश पायलट जी के सिद्धांत थे, उनकी जो कार्यशैली थी, उनके पद चिन्हों पर चलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, इनसे मुकाबला करने के लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता तत्पर है। शैलेंद्र अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस, सेवादल अजमेर।